मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। इंदौर में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का लोकार्पण हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली सीएनजी प्लांट का लोकार्पण किया। कोरोना संक्रमित होने के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में वर्चुअली ही जुड़े। यह सीएनजी प्लांट 150 करोड़ की लागत से बनाया गया है, जिसमें 550 मीट्रिक टन गीले कचरे का निस्तारण होगा। वहीं 17,500 किलो बायो और 100 मीट्रिक टन कंपोस्ट खाद हर दिन बनेगी। इससे जो गैस बनेगी उससे 400 से ज्यादा बसें चलाई जाएंगी। वहीं शहरवासियों को भी सीएनजी गैस की सप्लाई की जाएगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सफाई कर्मियों का आभार जताया। पीएम ने कहा कि इंदौर दूसरे शहरों के लिए प्रेरणा बना है। यहां 550 मीट्रिक टन इस प्लांट में गीला कचरा तो प्रोसेस किया ही जाएगा, लेकिन इसमें बैक्टीरिया डेवलप करने के लिए गोबर का भी उपयोग किया जाएगा और यह गोवर्धन नाम सार्थक है। और यह गोबर भी हम इंदौर के आसपास के गांव से किसानों से खरीदेंगे और गोबर और कचरा दोनों को धन बनाने का काम करेगा यह गोवर्धन प्लांट। इस प्लांट के माध्यम से 5 रुपया प्रति किलो कम कीमत पर सिटी बसों के लिए इंदौर में सीएनजी मिलेगी, जिसके कारण भी पर्यावरण हमारा सुधरा रहेगा। इस परियोजना से प्रतिवर्ष 1,30,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी, घरेलू जैविक कचरा आमदनी के स्रोत में परिवर्तित हो जाएगा और नगर निगम इंदौर को 2,52,00,000 रुपया प्रतिवर्ष प्रीमियम 20 साल तक लगातार मिलता रहेगा। प्लांट में शुरुआती दौर में 21% और अगले 3 वर्षों में 100% सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा और इस प्लांट से कभी भी कोई भी कचरा अनुपचारित नहीं निकलेगा। शहर को कार्बन क्रेडिट का लाभ भी मिलेगा और वायु की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।